शुक्रवार देर शाम लगभग 6:30 बजे शक्तिपीठ देवी पाटन से मुंडन कराकर लौट रही यात्रियों से भरी बस और एक साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में बढ़नी तुलसीपुर रोड पर चरगावा नाले में पलट गई, जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए। साइकिल सवार सहित 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई और बस में सवार 22 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बढ़नी लाया गया, जहाँ 2 घायलों की हालत नाजुक देख मेडिकल कॉलेज सिद्धार्थनगर के लिए रेफर कर दिया गया, जहां एक की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक सहित भारी संख्या में पुलिस बल और प्रशासन के लोग पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए। नाले में गिरी बस को क्रेन के माध्यम से निकाला गया और नाले के पानी में गहनता से घायलों की खोजबीन की गई। दुखद घटना हुआ, बड़ी ब्लॉक से और मोहनकोला गांव पंचायत से मोहनकोला गांव पंचायत का रहने वाला है। लगभग 55 लोग के आसपास बस में यात्रा कर रहा था और जो बढ़नी ब्लॉक में चरगा नदी है उसमें नदियों में बस गिर गया और विशेष रूप से आसपास का गांव पंचायत का लोगों ने तुरंत आके इनको तुरंत रिस्पांस किया। साथ में मतलब पुलिस बल भी है, हमारा तहसील का टीम भी है, मदद किया और तुरंत सबको बाहर निकाल दिया गया है और 2 लोगों को मृत्यु हुआ और 2 लोगों को रेफर किया गया है जिला अस्पताल में और 22 लोगों को इंजुरी। सर क्या इसमें बच्चे भी कुछ इंजर्ड हैं, छोटे बच्चे? छोटे बच्चे 4 लोग इंजुर्ड हैं बट सब स्वस्थ हैं और पीएचसी बढ़नी में हैं हम लोग अभी और सबको इलाज चल रही है और इन लोगों को स्वास्थ्य भी है। 2 लोगों का अभी इस दुर्घटना की वजह से मृत्यु हुआ। दुर्घटना का कोई कारण समझ में आ रहा है? देखिए 6:30 बजे के आसपास का है दुर्घटना, इसमें एक साइकिल वाला आगे जा रहा था, इनको बचाने के लिए मतलब बस का जो ड्राइवर ने कुछ ऐसे पलट गया गाड़ी, तो ये दुर्घटना का विवेचना करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम क्लियर कर दीजिए बता सकते हैं। मोहन सूरतगढ़ थाने के मोहनकोला गांव के लोग मुंडन कराने के लिए देवी पाटन जाते हैं, माता जी के दरबार से बच्चे का मुंडन करा के लौट रहे थे। अब उसी समय किसी को बचाने में क्या हुआ एग्जैक्ट तो अभी बात स्पष्ट नहीं है, बस अचानक से जो चरगाह नदी है वो पलट गई, लेकिन स्थानीय लोग, पुलिस और तहसील प्रशासन के लोग सब लोग मौके पर पहुंच गए और माता रानी की कृपा है कि अधिकांश लोग सुरक्षित बाहर निकाल लिए गए। 1-2 लोगों के हताहत होने की सूचना मिल रही है, 3-4 बच्चों को हल्की चोटें आई हैं, तुरंत ही यहाँ बढ़नी पीएचसी में ला करके उनका इलाज शुरू हो गया। 2 लोगों को थोड़ी गंभीर चोट थी, जिला अस्पताल पर रेफर हुए हैं। डीएम साहब, एसपी साहब और सीएमओ सारे लोग सब लोग मुस्तैद रहे शुरू से, तो इसलिए जिस तरह की घटना हुई है उसमें बहुत न्यूनतम नुकसान हुआ है, ईश्वर की कृपा है। जिस हिसाब से प्रशासन ने तत्काल रिएक्ट किया उस पर आप प्रशासन को क्या कहेंगे? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा पूरे प्रशासनिक अमले को, एसएसबी की जो पास की टीम थी और विशेषकर स्थानीय नागरिक, पुलिस और राजस्व प्रशासन सारे लोग। मैं तो इसी क्षेत्र में कहीं किसी से मिलने के लिए आया हुआ था, सूचना मिली तो अचानक पहुँचा, सारे लोग मुस्तैद थे और बहुत ही जितना संभव हो सकता है सबने क्विक रिस्पांस दिया और इस समय ईश्वर की कृपा से लगभग सब लोग सुरक्षित हैं। 1-2 लोगों के हताहत होने की 2 लोगों की सूचना मिली है। दुर्घटना में जो मृत्यु हुई उनके लिए क्या सहायता आपकी सरकार? आप जानते हैं योगी सरकार इस तरह की घटना में दुर्भाग्य से जिनका निधन होता है उनकी मदद करती है और डीएम साहब, एसपी साहब हम सब लोग मौके पर ही हैं, हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि उन परिवारों को जो सरकार आपदा राहत को मदद उपलब्ध कराती है वो मिले।